ताकि सभी वेट करें क्राउन जूल पेपर व्यू में होने वाले रोमन रेंस और ब्रॉक लेजर के यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के लिए। बट आप सबको बता दूं, इस मैच से रिलेटेड काफी कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि क्या यहां पर ब्रॉक लेजर बनने वाले यूनिवर्सल चैंपियन। अगर वो बनते हैं देन रोमन रेंस के टाइटल हारने के बाद उनका फ्यूचर प्लान क्या कुछ होने वाला है, सारा कुछ हो चुका है रिवील और आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में WWE के लिए क्या कुछ खतरा रहने वाला है। इसके अलावा रोमन रेंस ने कौन सा रिकॉर्ड सेट कर दिया है WWE में। तो गाइस सबसे पहले हम रोमन रेंस के इसी रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। देन आप सब जानते हैं कि रोमन रेंस जब से हील बने देन वो कई सारे रिकॉर्ड सेट करते जा रहे, बट इस बार जो उन्होंने रिकॉर्ड सेट किया वो सीधा सीधा फायदा दिलाता है WWE को, क्योंकि गाइस ऐसी अपडेट निकल कर आई है कि जॉन सीना जब बेबी फेस थे देन उन्होंने जिस लेवल का मर्चेंडाइज सेल किया था उस लेवल का अभी रोमन रेंस सेल करे मर्चेंडाइज एज अ हील। एंड अभी तक जितने भी हील WWE में आए या फिर थे रोमन रेंस नंबर वन पर है कि वो सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज सेल किए एज अ हील सुपरस्टार। यानी कि गाइस रोमन रेंस भले ही एक विलन हो लेकिन फैंस उनके मर्चेंडाइज को जरूर से पसंद करते हैं एंड वो WWE को रेटिंग्स में तो फायदा पहुंचा ही रहे, साथ ही साथ वो बन चुके हैं नंबर वन मर्चेंडाइज सेलर WWE में, जो कि सीधा सीधा जॉन सीना से कंपटीशन है। वैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि क्या आपके पास भी कोई रोमन रेंस की मर्चेंडाइज है, तो वो कौन सी वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। हाँ तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में कि आखिरकार नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के लिए कौन सा बड़ा खतरा रहने वाला है। देन गाइस वो खतरा कोई और नहीं, वो है AEW। अब जैसा कि मैंने आप सबको बताया जो नेक्स्ट वीक का स्मैकडाउन होने वाला है उसे WWE सुपर साइज स्मैकडाउन कर एडवर्टाइज करिए, यानी कि वो आधे घंटे ज्यादा का होने वाला है और वो होने वाला है 2.5 आवर्स का। तो जो AEW का पहला आधा घंटा होने वाला है वो WWE के लास्ट के आधे घंटे के साथ कम्पीट करने वाला है। और गाइस टोनी खान ने ये ट्वीट कर साफ कह दिया कि वो WWE के मेन शो यानी कि स्मैकडाउन को बीट करने वाले। और इसे देखने के बाद गाइस आप सब यही सोच रहे हैं कि स्मैकडाउन तो 2 मिलियन के पार रेटिंग लाता है बट AEW तो 8 लाख व्यूअरशिप से नीचे रहता है, तो वो कहां से बीट कर देगा स्मैकडाउन को। देन आप सबको बता दूं नेक्स्ट वीक का स्मैकडाउन हमें फॉक्स नेटवर्क पर नहीं देखने को मिलने वाला बल्कि देखने को मिलने वाला है FS1 में। और गाइस FS1 की ऑडियंस कम है और एक्सपेक्टेड है कि स्मैकडाउन की जो व्यूअरशिप होगी वो 1 मिलियन के आसपास ही रहने वाली है। तो अगर किसी भी तरह से AEW WWE के टॉप शो स्मैकडाउन को बीट कर देती है देन आप सब सोच ही सकते हो AEW कितना ज्यादा शो ऑफ करने वाली है। तो WWE ये चीज होते हुए बिल्कुल भी देखना नहीं चाहेगी और मुझे लगता है भले ही FS1 में आ रही हो नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन, लेकिन स्टिल स्मैकडाउन की व्यूअरशिप AEW के रैंपेज से एटलीस्ट 50% तो ज्यादा रहने वाली है, तो भाई 100% भी सकती है। तो लेट्स सी जो टोनी खान ने कहा है कि वो नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन को बीट करने वाले क्या वो कर पाते हैं या फिर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है नेक्स्ट वीक के इस वॉर में किसकी जीत होने वाली है, स्मैकडाउन की या फिर AEW रैंपेज की। एंड अब फाइनली बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है क्राउन जूल पेपर व्यू में होने वाले रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेजनर के यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच से। देन आप सबको पता है फैंस इस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, बट एक क्वेश्चन जो सभी के मन में है कि आखिर यहाँ पर जीतेगा कौन, बिकॉज हम सब जानते हैं रोमन रेंस का भी कैरेक्टर किस लेवल पर चल रहा है, तो वो हारेंगे इसके भी काफी कम चांसेस लग रहे हैं। एंड ब्रॉक लेजनर तो ब्रॉक लेजनर है और वो भी जब न्यू कैरेक्टर के साथ आए तो इसके चांसेस काफी कम ही है कि वो भी इस मैच को हारने वाले हैं। लेकिन गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के डेम मेल्जर ने ये कहा है कि अगर रॉक अवेलेबल नहीं हो पाते रेसलमेनिया 38 में एंड हमें रॉक वर्सेस रोमन का मैच देखने को नहीं मिल पाता है देन ब्रॉक लेजनर आप सबको क्राउन जूल के पेपर व्यू में बनते हुए दिखने वाले यूनिवर्सल चैंपियन, जिसके बाद रेसलमेनिया 38 में हमें फिर से ब्रॉक लेजनर एंड रोमन रेंस का मैच देखने को मिलेगा जहां पर ब्रॉक लेजनर रहेंगे चैंपियन एंड रोमन रेंस रहेंगे चैलेंजर। और गाइस कुछ रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि अगर रोमन रेंस अपनी टाइटल हारते हैं देन वो क्राउन जूल पेपर व्यू के बाद WWE से ब्रेक लेने वाले और वो सीधा रिटर्न करेंगे रॉयल रंबल 2022 में एंड वो उस रॉयल रंबल को जीतकर ब्रॉक लेजनर को चैलेंज करेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 38 में। अब गाइस कह सकते हैं WWE इस प्लान के साथ जा सकती है क्योंकि अगर CM Punk का AEW में रिटर्न नहीं होता देन WWE के प्लान यही थे कि रेसलमेनिया 38 में हमें ब्रॉक और रोमन का मैच देखने को मिलता, इसलिए हो सकता है अभी भी WWE इसी प्लान के साथ जाना चाहती हो एंड वो सबसे पहले तो ब्रॉक लेजनर को यूनिवर्सल चैंपियन बना दे क्राउन जूल के पेपर व्यू में, जिसके बाद रोमन रेंस जीत जाए 30-man रॉयल रंबल मैच एंड वो रॉयल रंबल मैच जीतकर चैलेंज करे ब्रॉक लेजनर को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। एंड मैंने पहले ही कहा है कि अगर रोमन रेंस अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप क्राउन जूल के पेपर व्यू में हारते हैं देन जरूर से यहां पर कुछ ना कुछ शॉकिंग एलिमेंट होने वाला है और जिसके ज्यादा चांसेस है वो कुछ और नहीं वो है पॉल हेमन का धोखा देना रोमन रेंस को। इसलिए लेट्स सी कि आखिरकार अब क्या कुछ होता है, बट ये चीज हो सकती है इसके भी जरूर से चांसेस है। लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आपको क्या लगता है रेसलमेनिया 38 में रोमन रेंस जाएंगे एज अ चैंपियन या फिर जाएंगे एज अ चैलेंजर। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तुम मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।
गाइस जैसा कि सभी वेट कर रहे क्राउन जूल पेपर व्यू में होने वाले रोमन रेंस और ब्रॉक लेजर के यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के लिए, बट आप सबको बता दूं इस मैच से रिलेटेड काफी कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि क्या यहां पर ब्रॉक लेजर बनने वाले यूनिवर्सल चैंपियन। अगर वो बनते हैं देन रोमन रेंस के टाइटल हारने के बाद उनका फ्यूचर प्लान क्या कुछ होने वाला है, सारा कुछ हो चुका है रिवील और आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में WWE के लिए क्या कुछ खतरा रहने वाला है, इसके अलावा रोमन रेंस ने कौन सा रिकॉर्ड सेट कर दिया है WWE में। तो गाइस सबसे पहले हम रोमन रेंस के इसी रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। देन आप सब जानते हैं कि रोमन रेंस जब से हील बने देन वो कई सारे रिकॉर्ड सेट करते जा रहे, बट इस बार जो उन्होंने रिकॉर्ड सेट किया वो सीधा सीधा फायदा दिलाता है WWE को, क्योंकि गाइस ऐसी अपडेट निकल कर आई है कि जॉन सीना जब बेबी फेस थे देन उन्होंने जिस लेवल का मर्चेंडाइज सेल किया था उस लेवल का अभी रोमन रेंस सेल करे मर्चेंडाइज एज अ हील। एंड अभी तक जितने भी हील WWE में आए या फिर थे रोमन रेंस नंबर वन पर है कि वो सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज सेल किया है एज अ हील सुपरस्टार। यानी कि गाइस रोमन रेंस भले ही एक विलन हो लेकिन फैंस उनके मर्चेंडाइज को जरूर से पसंद करते हैं एंड वो WWE को रेटिंग्स में तो फायदा पहुंचा ही रहे, साथ ही साथ वो बन चुके हैं नंबर वन मर्चेंडाइज सेलर WWE में, जो कि सीधा सीधा जॉन सीना से कंपटीशन है। वैसे मैं ये इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि क्या आपके पास भी कोई रोमन रेंस की मर्चेंडाइज है तो वो कौन सी, वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। हाँ तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में कि आखिरकार नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के लिए कौन सा बड़ा खतरा रहने वाला है। देन गाइस वो खतरा कोई और नहीं, वो है AEW। अब जैसा कि मैंने आप सबको बताया जो नेक्स्ट वीक का स्मैकडाउन होने वाला है उसे WWE सुपर साइज स्मैकडाउन कर एडवर्टाइज करिए, यानी कि वो आधे घंटे ज्यादा का होने वाला है और वो होने वाला है 2.5 आवर्स का। तो जो AEW का पहला आधा घंटा होने वाला है वो WWE के लास्ट के आधे घंटे के साथ कम्पीट करने वाला है। और गाइस टोनी खान ने ये ट्वीट कर साफ कह दिया कि वो WWE के मेन शो यानी कि स्मैकडाउन को बीट करने वाले, और इसे देखने के बाद गाइस आप सब यही सोच रहे हैं कि स्मैकडाउन तो 2 मिलियन के पार रेटिंग लाता है बट AEW तो 8 लाख व्यूअरशिप से नीचे रहता है, तो वो कहां से बीट कर देगा स्मैकडाउन को। देन आप सबको बता दूं नेक्स्ट वीक का स्मैकडाउन हमें फॉक्स नेटवर्क पर नहीं देखने को मिलने वाला बल्कि देखने को मिलने वाला है FS1 में। और गाइस FS1 की ऑडियंस कम है और एक्सपेक्टेड है कि स्मैकडाउन को जो व्यूअरशिप होगी वो 1 मिलियन के आसपास ही रहने वाली है। तो अगर किसी भी तरह से AEW WWE के टॉप शो स्मैकडाउन को बीट कर देती है देन आप सब सोच ही सकते हो AEW कितना ज्यादा शो ऑफ करने वाली है, तो WWE ये चीज होते हुए बिल्कुल भी देखना नहीं चाहेगी। और मुझे लगता है भले ही FS1 में आ रही हो नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन, लेकिन स्टिल स्मैकडाउन की व्यूअरशिप AEW के रैंपेज से एटलीस्ट 50% तो ज्यादा रहने वाली है, तो भाई 100% भी सकती है। तो लेट्स सी जो टोनी खान ने कहा है कि वो नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन को बीट करने वाले क्या वो कर पाते हैं या फिर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है नेक्स्ट वीक के इस वॉर में किसकी जीत होने वाली है, स्मैकडाउन की या फिर AEW रैंपेज की। एंड अब फाइनली बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है क्राउन जूल पेपर व्यू में होने वाले रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच से। देन आप सबको पता है फैंस इस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, बट एक क्वेश्चन जो सभी के मन में है कि आखिर यहां पर जीतेगा कौन, बिकॉज हम सब जानते हैं रोमन रेंस का भी कैरेक्टर किस लेवल पर चल रहा है, तो वो हारेंगे इसके भी काफी कम चांसेस लग रहे हैं। एंड ब्रॉक लेसनर तो ब्रॉक लेसनर है और वो भी जब न्यू कैरेक्टर के साथ आए तो इसके चांसेस काफी कम ही है कि वो भी इस मैच को हारने वाले हैं। लेकिन गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के डेम मेल्ज़र ने ये कहा है कि अगर रॉक अवेलेबल नहीं हो पाते हैं WrestleMania 38 में एंड हमें रॉक वर्सेस रोमन का मैच देखने को नहीं मिल पाता है देन ब्रॉक लेसनर आप सबको क्राउन जूल के पेपर व्यू में बनते हुए दिखने वाले यूनिवर्सल चैंपियन, जिसके बाद WrestleMania 38 में हमें फिर से ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस का मैच देखने को मिलेगा जहां पर ब्रॉक लेसनर रहेंगे चैंपियन एंड रोमन रेंस रहेंगे चैलेंजर। और गाइस कुछ रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि अगर रोमन रेंस अपनी टाइटल हारते हैं देन वो क्राउन जूल पेपर व्यू के बाद WWE से ब्रेक लेने वाले और वो सीधा रिटर्न करेंगे रॉयल रंबल 2022 में एंड वो उस रॉयल रंबल को जीतकर ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए WrestleMania 38 में। अब गाइस कह सकते हैं WWE इस प्लान के साथ जा सकती है क्योंकि अगर CM Punk का AEW में रिटर्न नहीं होता देन WWE के प्लान यही थे कि WrestleMania 38 में हमें ब्रॉक और रोमन का मैच देखने को मिलता, इसलिए हो सकता है अभी भी WWE इसी प्लान के साथ जाना चाहती हो एंड वो सबसे पहले तो ब्रॉक लेसनर को यूनिवर्सल चैंपियन बना दे क्राउन जूल के पेपर व्यू में, जिसके बाद रोमन रेंस जीत जाए 30-man रॉयल रंबल मैच एंड वो रॉयल रंबल मैच जीतकर चैलेंज करे ब्रॉक लेसनर को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। एंड मैंने पहले ही कहा है कि अगर रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप क्राउन जूल के पेपर व्यू में हारते हैं देन जरूर से यहां पर कुछ ना कुछ शॉकिंग एलिमेंट होने वाला है, और जिसके ज्यादा चांसेस है वो कुछ और नहीं वो है पॉल हेमन का धोखा देना रोमन रेंस को। इसलिए लेट्स सी कि आखिरकार अब क्या कुछ होता है, बट ये चीज हो सकती है इसके भी जरूर से चांसेस है। लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आपको क्या लगता है WrestleMania 38 में रोमन रेंस जाएंगे एज अ चैंपियन या फिर जाएंगे एज अ चैलेंजर। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।